इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेशो इन प्रोपोर्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि NTS GAT NAT के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप NTS GAT NAT का प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट सैलरीज ऑफ रवि एंड समित आर इन द रेशो 2:3। अब यहाँ पर इन दोनों का जो रेशो है सैलरीज का वो 2:3 है। अब यहाँ पर 2:3 जो है इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रुपीज़ जो है इनका सैलरी है, 3 रुपीज़ इनका सैलरी है। इनका जो है रेशो है वो 2:3 है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो रेशो जो है यहाँ पर ये सिंपल फॉर्म लिया गया है, ठीक है। तो ये जो है लेट्स से यहाँ पर ये 100 हो सकता है, ये 150 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 100 and 150 का अगर आप सिंपल फॉर्म ले लें तो इससे आपने क्या करना है, इससे आपने आपने 50 जो है वो कॉमन लेना है। 50 कॉमन ले लें तो 2:3। अगेन यहाँ पर इसे जो क्या आंसर आता है, जैसे 2:3 इसका आंसर आता है। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4000, अगर दोनों का सैलरी जो है 4000 इंक्रीज किया जाए, द रेशो बिकम द न्यू रेशो बिकम 40:57। व्हाट इज समित सैलरी, हमने समित का सैलरी जो है प्रेजेंट सैलरी वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहां पर इज्यूम कर देते हैं कि लेट सैलरीज ऑफ ईच सैलरीज ऑफ रवि एंड समित, रवि एंड समित जो है वो लिट से यहाँ पर 2:3, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर ये x हमने एज्यूम किया, ये x क्या है, ये x जो है ये 50 है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखें कि लिट से यहाँ पर इनकी सैलरी जो है 100 है, दूसरे का सैलरी जो है ये 150 है। अब यहाँ पर अगर इससे आप 50 कॉमन ले लें और यहाँ से इस पर डिवाइड करें तो 100 से 2 आ जाएगा, इससे 3 आ जाएगा। तो ये 50 जो है हमने एज्यूम किया कि ये जो है एक्स है। अब एक्स के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअल सैलरी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर इनके सैलरीज के साथ हम 4000 जो है वो ऐड करें तो न्यू रेशो जो है वो 40:57। तो ये इससे फिर क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखें कि एक्चुअल सैलरी जो है समित का क्या है, दैट इज 3x एंड रवि का 2x। तो दोनों के साथ आप 4000 जो है वो ऐड कर दें, 4000 एंड देट इज डिवाइडेड बाय 3x रेशो, देट इज 3x प्लस 4000। अब यहां पर डिवाइड मैंने क्यों इसलिए किया, क्योंकि यहां पर लेट्स से अगर x रेशो y है तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाय y। सो इज इक्वल टू, अगर इनके सैलरीज को ज्यादा किया जाए 4000 तो ये जो है रेशो 40:57 के बराबर हो जाएगा। तो 40/57 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने 3x हमने फाइन करना है, या आपने x की वैल्यू फाइन करना है, उसको आपने फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ फिर आपने 4000 जो है वो ऐड करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास समित का सैलरी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 4000, दैट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4000। अब यहाँ पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 34000। अब 3x की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 34000। अगर आप यहाँ पर देखें, समित का सैलरी जो है वो क्या है, 3x प्लस 4000। तो यहाँ पर 34000 के साथ हम अब 34000 के साथ हम 4000 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 38000। तो ये 38000 जो है ये समित का प्रेजेंट सैलरी है, दैट इज ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन।